19 फरवरी 2023 क्रिकेट की टॉप 3 खबर आपके सामने। नंबर 3, अपनी गलती से रन आउट हुए रोहित शर्मा, मगर फिर भी हो रही है उनकी तारीफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया द्वारा मिले 115 रनों के लक्ष्य का पीछे करते हुए रोहित शर्मा शानदार लय में दिख रहे थे, मगर 7वें ओवर में पुजारा के साथ हुई तालमेल की गड़बड़ी की वजह से कप्तान रन आउट हो गए। रोहित शर्मा ने आउट होने से पहले 155 के स्ट्राइक रेट के साथ 31 रन बनाए। इस रन आउट में भले ही रोहित शर्मा की गलती थी, मगर इसके बावजूद उनकी जमकर तारीफ हो रही है। रोहित शर्मा के रन आउट की घटना भारत की दूसरी पारी के 7वें ओवर की थी। शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे रोहित ने कोनमैन की 5वीं गेंद पर मिड विकेट की दिशा में शॉट खेलकर 2 रन लेने का प्रयास किया। रोहित पहला रन तो तेजी से दौड़े, मगर जब वो दूसरा रन लेने के लिए पलटे तो उन्होंने देखा कि गेंद पीटर हैंड्सकॉम के हाथों में थी। रोहित 2 रन के लिए पहले ही कॉल दे चुके थे तो पुजारा ने भी फुर्ती दिखाई, मगर जब तक रोहित ने अपना ये फैसला पलटा तो पुजारा आधी पिच क्रॉस कर चुके थे। अगर रोहित शर्मा चाहते तो अपने छोर पर वापस जा सकते थे, लेकिन कप्तान ने ऐसा नहीं किया। अपने टेस्ट करियर का 1/4 मुकाबला खेल रहे पुजारा को रोहित ने अपनी गलती का खामियाजा नहीं उठाने दिया। यही वजह है रोहित के रन आउट होने के बाद भी सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। नंबर 2, टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया। टीम इंडिया का इंटरनेशनल क्रिकेट में जलवा देखने को मिल रहा है। रविवार 19 फरवरी को भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। भारतीय क्रिकेट टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में नंबर 1 टीम बन गई है। भारतीय टीम इस उपलब्धि को अपने नाम करने वाली दुनिया की दूसरी टीम है। कुछ समय के लिए साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम के नाम ये उपलब्धि दर्ज थी। T20 और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद अब टेस्ट क्रिकेट में भी भारत ICC की रैंकिंग पर पहले नंबर पर पहुंच गई। भारत ऐसा दूसरा देश है जो एक ही समय पर क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में नंबर 1 है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैच जीतकर इस उपलब्धि को अपने नाम किया है। भारत इस सीरीज से पहले दूसरे पायदान पर था। नंबर 1, विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में इतिहास रच दिया। सचिन तेंदुलकर के विश्व रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली टेस्ट के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन पूरे करके इतिहास रच दिया। कोहली ने पहली पारी में 44 और दूसरी पारी में 20 रन बनाए। वो सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। इस मामले में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोहली ने अपने 549वीं अंतर्राष्ट्रीय पारी में इस आंकड़े को छू लिया, जबकि सचिन तेंदुलकर ने इसके लिए 577 पारी खेले थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए 588 मैच खेले थे, जबकि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक्स कॉलिस ने 594 मैच खेले थे। वहीं श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने 608 मैच खेले थे। और अभी विराट कोहली ने इन सभी दिग्गज खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने सिर्फ 549 मैचों में 25,000 रन पूरे कर लिए। क्रिकेट से जुड़ी टॉप खबर हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।